तो किसान भाइयों, हमारी धान की फसल के अंदर इस टाइम पे, जैसे पहले आप लोगों ने देखा कि पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया कि सुंडियों का प्रकोप कितना ज़्यादा देखने को मिल रहा था। एक दूसरा कीट होता है जिसको हम बोलते हैं तेला बोल देते हैं, माहू बोल देते हैं, और ये होपर, ब्राउन प्लांट होपर जिसको बोलते हैं, इंग्लिश का वर्ड है, अलग अलग जगह पे अलग अलग नाम से पुकारा जाता है तेले को। तो हमारी भाषा में तेला चेपा माहू को कंट्रोल करने के लिए भी हम स्प्रे करते हैं अपनी फसलों के अंदर। तो किसान भाइयों, जैसे कि ये धान की फसल आप लोग देख पा रहे हैं, इस टाइम पे ये गर्भावस्था में है, तो अभी जैसे कि बालियां निकलना शुरू होगी, दाना अपने अपने पकाओ पे आएगा, तो उस टाइम पे समस्या आपको देखने को मिलेगी। और टाइम टू अकॉर्डिंग इसके अंदर तेले की समस्या या फिर किसी बीमारी की समस्या खेत के अंदर अभी तक है नहीं है। लेकिन मैं आपको बता दूँ कि जो भी प्रोडक्ट मैं आपको इस वीडियो के अंदर बताने वाला हूँ, सुदर्शन कंपनी का एक नया प्रोडक्ट पॉलीगोन के बारे में, जी हाँ किसान भाई, पॉलीगोन के बारे में मैं पूरी डिटेल से आपको इस वीडियो के अंदर जानकारी देने वाला हूँ। पॉलीगोन क्या है, इसके अंदर टेक्निकल कॉम्बिनेशन क्या है, कौन सी फसलों में इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, किस टाइम पे इस्तेमाल करना है, और क्या क्या ये फ़ायदे करेगी, तो ये तमाम तरह की जानकारी आपको इस वीडियो के अंदर मिलने वाली है। तो आपको क्या करना है, वीडियो को पूरा देखना है। चैनल पर अगर पहली बार आए हैं तो चैनल को लीजिए सब्सक्राइब। तो चलिए किसान भाई, वीडियो शुरू करते हैं। तो नमस्कार किसान भाइयों, मैं आपका दोस्त रामेहर और स्वागत करता हूं आपका नई वीडियो में। किसान भाइयों, इस वीडियो के अंदर हम बात कर रहे हैं सुदर्शन कंपनी के एक नए प्रोडक्ट पॉलीगोन के बारे में। पॉलीगोन के बारे में जैसे कि मैं आपको बता रहा था, फिलहाल इस फसल के अंदर कोई समस्या आपको देखने को मिल नहीं रही है। उसका मेरा कहने का मतलब ये था कि पॉलीगोन का इस्तेमाल आप लोग अगर प्रिवेंटिव में करते हैं तो काफ़ी अच्छे बेनिफिट्स आपको अपनी धान की फसल के अंदर होंगे। सबसे पहला बेनिफिट्स क्या होगा कि ये आपकी फसल के अंदर लंबे समय तक तेला माहू चेपा आपकी फसल के अंदर आने नहीं देगी, जो कि ब्राउन प्लांट होपर होता है, और बाद में जाके वो काला भी बन जाता है, तो वो समस्या आपके खेत के अंदर नहीं आने देगी। दूसरी बात, पॉलीगोन के इस्तेमाल के बाद आपकी फसल के अंदर एक अच्छी ग्रीनरी और एक क्लोरोफिल अच्छा देखने को मिलेगा। किसान भाई, वहीं पर टेक्निकल की बात करें इसके अंदर, तो डाइनोटोफ्रान इसके अंदर, पॉलीगोन के अंदर डाइनोटोफ्रान की मात्रा होती है 15% और पाइमेट्राजिन 45%, WG फॉर्मुलेशन में ये होता है। और आपको बता दें, डाइनोटोफ्रान जो टेक्निकल है वो तेले माहू चेपे को कंट्रोल करने के साथ साथ आपकी फसल के अंदर क्लोरोफिल की मात्रा को भी बढ़ाता है। एक हरापन आपको अपनी फसल के अंदर देखने को मिलेगा पॉलीगोन के इस्तेमाल के बाद। अब बात आती है किसान भाइयों, कौन कौन सी फसलों के अंदर इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, तो मैं आपको बता दूँ, फिलहाल धान की फसल के अंदर रिकमेंड प्रोडक्ट है पॉलीगोन, धान की फसल के अंदर इस्तेमाल कर सकते हैं। और किसान भाइयों, अगर वहीं पे बात करें डोज की, तो इसकी जो डोज रहने वाली है धान की फसल के अंदर, तो वो होगी 133.2 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से। आपको 150 से 170 लीटर पानी के अंदर इसका छिड़काव अपनी फसल के अंदर कर देना है। ये काफ़ी अच्छा प्रोडक्ट है, काफ़ी अच्छे परिणाम आपको इसके देखने को मिलेंगे। लगभग 15 से 18 दिनों तक तेले माहू चेपे को ये आपकी फसल के अंदर आने नहीं देगा, अगर आप प्रिवेंटिव में इसका इस्तेमाल करते हैं तो। किसान भाई, वहीं पर इसके रेट की बात करें, तो जो 133.2 ग्राम का इसका खर्चा आता है किसान का, वो आएगा लगभग आपको 860 या 870 रुपये इसका प्रति एकड़ का खर्चा आता है। तो आप लोग अपनी धान की फसल के अंदर तेले माहू चेपे की रोकथाम के लिए पॉलीगोन का इस्तेमाल करके देख सकते हैं। तो यही सब था किसान भाइयों, सुदर्शन कंपनी के एक नए प्रोडक्ट पॉलीगोन के बारे में। तो मेरे ख्याल से जानकारी आपको समझ में आ गई होगी। जानकारी अगर आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। अगर आपका कोई सुझाव या कोई सवाल हो तो कमेंट के माध्यम से हमसे पूछ सकते हैं। जानकारी अगर आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और मिलते हैं जल्दी एक और नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।